गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है बहुत स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज मैं आपको दो स्पेशल जगह दिखाने वाला हूँ। पहले है हनुमान जी जो पेड़ के अंदर निकले थे, साउंड्स इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट, और दूसरा है लगभग 600 से 700 साल पुराना गौमत का मंदिर, जिसे दाऊजी महाराज का मंदिर भी कहते हैं। दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, खूब इनके पीछे हिस्ट्री है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत रेयर केसेस में एक उर्दू रामायण है, जिसके बारे में हमें पंडित जी बताएंगे। बताइए। हाँ, देखिए सर, ये जो रामायण है, हमारे जो पूर्वज थे लाला जोधराज जी, संतन काल के, तो वो इसको पढ़ा करते थे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू का ही महत्व था, यानी संस्कृत और उर्दू का। तो ये लगभग कितनी पुरानी हुई इस हिसाब से ये रामायण? 500 साल पुरानी रामायण। तो ये भी एक पौराणिक हिस्सा है इस मंदिर की हिस्ट्री का। मंदिर के साथ ही ये पुरातत्व दर्शाती है कि तो मंदिर में पुरानी रामायण रखी है, तो मंदिर भी 500 वर्ष से पुराना मंदिर है। आप थोड़ा सा दिखा सकते? कुछ वो कहानी वैसा देखो कि रामायण क्या चित्र है, पौराणिक चित्र, पौराणिक चित्र है वास्तव में। दीमक खाई का देखिए, पहले उर्दू फारसी इसी का। हाँ, हाँ जी, ये मंदिर कितना पुराना है?
या वैसे तो जो है 500 साल पुराना है जो गौमठ है जी जी जो गौमठ है कहते हैं कि अलीगढ़ क्षेत्र में बसता गौमत गांव गाय चराने आती थी कृष्णो बदाम यहाँ आखिरी पड़ाव था और पहले ये ब्रज चौरासी कोस की के आता था लेकिन चकबंदी के बाद रास्ता वस्ता खराब हो गया तो अब बंद हो गया और है का भैया कि गौमठ जो है फिर ये 1200 ईस्वी के लगभग एक गैला शाह मीतल आई तो उन्होंने ये बनवाया था फिर 1400 में जो है ये ऊपर उसके ओर पास बनवाया गया और चोटी बनवाई गई फिर जो मेन मंदिर आगे आप देख रहे हैं ये पत्थर का काम ये 1600 के बाद हुआ है फिर एक ये 4 चरण में बनाए उसके बाद 150 साल 200 साल हो गए ये बाहर का जगह मिली बाहर का बनवाया है और ये जो तुम हवेली देख रहे हो ये एक बहुत पुरानी है लेकिन अब इसमें हमने एक गेस्ट हाउस बना दिया है मंदिर के जो यात्री आएँ उनको कोई परेशानी न हो दिया पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल था और जंगल इतने बड़े बड़े पेड़ थे आज भी एक पेड़ है यहाँ जिसको बर का पेड़ कहते हैं जहाँ चामंडा मैया विराजमान है एक देवालय का पेड़ है तो उससे अंदाज लगाया जाता है तो कितने पुराने ये पेड़ होंगे और नाना जी लगभग इस मंदिर की खासियत या मान्यता क्या है बेटे तुम जब घूमे हैं परिक्रमा में जी नाना जी भगवान के पीछे दाऊजी महाराज के पीछे जो सत्य बने हुए हैं जी जी वो मानता ये है कि भाई अगर तुम वैसे भाव से आओगे तो सब जगह देता है लेकिन अगर आप कुछ मांगने आ रहे हैं तो आप निहार मो और चुपचाप आए पुजारी से कहें कि हमें सत्य रखने और आप सत्य रख जाएं पीछे मान्यता ये है कि 1 साल में पूरी हो जाएगी जो मांग के जाओगे न हो जाए तो हमसे कह देना और एका फिर एका वो सत्य आपको लेकिन मानता हो जाने पर कोई खर्चा नहीं है कोई एका 100 ग्राम 200 ग्राम प्रसाद चढ़ा दो फूल चढ़ा दो और ये चांदी के सत्य 8 आना भर के या 1 रुपया भर के जरूर चढ़ा के जाओ भगवान की गाइज अब घूमते घूमते मैं और नानू एक जगह आए हैं ये जगह मंदिर से बहुत पास में है और यहाँ शायद बलदाऊ जी और कृष्ण जी नहाते थे हाँ स्नान के लिए तो ये उनका विश्राम गृह टाइप है और सारे जो सखा होते थे उस तरह से चारों तरफ बैठने के स्थान है जी जी और यहाँ फुब्बारा होता था और ये नहाने का स्थान है उनका और वो पास में ही गऊओं के लिए ये पेड़ जो आए ये गऊओं के लिए स्थान था जहाँ गऊओं को रोक के वहाँ पे जो पीछे पेड़ है वहाँ गऊओं का स्थान था और ये जो ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे कृष्ण जी और सारे सखा नहाते थे तभी इस जगह का नाम गौमठ और आज की भाषा में गौमत पड़ा है राइट आर्किटेक्चर बहुत कमाल का है लेकिन यहाँ का फिर भी है ये कितना ही पुराना भी यहाँ का आर्किटेक्चर वास्तव में देखते बनते इस वाले पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा था जब इसमें से आवाज निकली कि अरे रे क्या कर रहे हो तुमने अभी भी मेरे हाथ काट दी तो लकड़हारा ने घबरा के पूछा कि आप कौन हो तो हनुमान जी ने कहा इसमें मैं हूँ और तुमने अभी अभी मेरे हाथ काट दिया क्योंकि लकड़हारे ने एक ब्रांच काट दी थी तो बाद में उसने पूछा कि आप कहाँ हो प्रभु आप हमें दिख नहीं रहे तो बाद में इसकी जो छाल है उसको काटा गया और उसमें अंदर से हनुमान जी निकले तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो हनुमान जी ऐसा मानते हैं कि इस पेड़ में से जो पीछे है इसमें से हनुमान जी जो है वो निकले थे और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हनुमान जी निकले थे इस पेड़ की छाल से ये पुरानी जगह है ये ऐसी जगह है जो अब खो चुकी है यहाँ पे लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं क्योंकि आपको और हमको इंटरनेट पे जो दिखता है वही दिखता है पर ऐसी जगह आना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है ये ऐसी चीजें हैं जो जिनको शायद उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी एंड मोर ओवर हम लोग लाइमलाइट से ज्यादा ग्लैमर में इंटरेस्टेड होते हैं बट ये ऐसी चीजें हैं जो खो चुकी है हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए अपने इलाके की तो हर ट्यूसडे टू ट्यूसडे इस पेड़ की पूजा की जाती है यहाँ पे जो आप पेड़ देख रहे हैं और इसके जो अराउंड है
यहाँ पे धागा बांध के अपनी विश मांगी जाती है और विश पूरी होने के बाद धागे को निकाल दिया जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, एकदम एकांत में बसा हुआ मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हैं।